रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए त्रिवेदी ने बिहार में चल रहे सियासी घमासान को लेकर कहा कि राहुल गांधी पिछली बार जब यात्रा पर निकले थे तो देश में 3 हिंदी राज्यों से कांग्रेस की सरकार चली गई। अब उन्होंने फिर से अपनी यात्रा शुरू की है तो इंडिया गठबंधन से तृणमूल कांग्रेस और आप पार्टी ने दूरी बना ली है। आज देश में 2 गठबंधन है, एक पीएम मोदी के नेतृत्व में जांचा परखा मजबूत गठबंधन और दूसरी तरफ अंतर्विरोधी से घिरा भ्रम का गठबंधन। बिहार में उठापटक आज से नहीं लंबे समय से चल रही है, तो ये उठापटक कहाँ तक जाती है और कहाँ जाती है इसका इंतजार करना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन तो एक ऐसा गठबंधन है जो बेमेल है, जो कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वो मजबूरी का गठबंधन है। और आप देखें, बंगाल में जाने से मना कर दिया, उनको नेता मानने से कोई स्वीकार नहीं कर रहा उनको कोई अपना। तो ये गठबंधन किस बात का, क्या इस बात का कि भारत गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में बाहर निकल गए, क्या धारा 370 हट गई, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, किस बात के लिए गठबंधन हो रहा है? इनको अपना एजेंडा भी बताना चाहिए, नेता भी डिक्लेयर करना चाहिए। मुझे लगता है अब जो कुछ हो रहा है इस तथा कथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और इसका एक तथ्यात्मक आधार भी है कि नकारात्मक आधार के ऊपर बने हुए गठबंधनों का भविष्य होता नहीं है। आज देश की जनता के सामने बहुत स्पष्ट 2 अल्टरनेटिव है, एक श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन, जहां जांचा परखा खरा नेतृत्व और भरोसे का गठबंधन, दूसरी तरफ अज्ञात नेतृत्व में अंतर विरोधों से भरा हुआ भ्रम का गठबंधन। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे उनका शिजरा बिखर रहा है बिहार में। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया विभाग की कार्यशाला आयोजित हो रही है, तो क्या है इस मामले में पूरी जानकारी? जल्द लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा चाहती है कि सोशल मीडिया मीडिया सेल जो है उसको और मजबूत किया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी देखा गया था कि किस तरह से जनता तक अपना संदेश जो है मजबूती के साथ में रखा जाए, साथ ही विपक्ष आरोपों का किस तरह से जवाब मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, इसी सिलसिले में अपने मीडिया सेल को मजबूत करने के लिए आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाजपा मीडिया विभाग और सोशल मीडिया विभाग प्रदेश भर के तमाम जो प्रतिनिधि हैं उनकी कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की जा रही है। कार्यशाला को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने उद्घाटन सत्र में संबोधित किया, साथ ही भाजपा अध्यक्ष जो स्थिति जोशी, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष स्थिति जोशी जो है वो जुलाई कार्यशाला में मौजूद है। कार्यशाला में समापन सत्र में मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा जो है वो भी शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। कार्यशाला के दौरान किस तरह से विपक्ष आरोपों का प्रत्यारोप देना है, किस तरह से उस पर हमलावर होना है, केंद्र सरकार की रीति नीतियों को किस तरह से जनता तक पहुंचाना है, जनता के मुद्दे जो चुनाव में मुद्दे जो हावी रहने वाले हैं उनको किस तरह से भाजपा पक्ष में जो है प्रचार प्रसार करना है, इसी सिलसिले को कार्यशाला में जरूरी टिप्स किए जा रहे हैं। साथ ही विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि काफी बेहतर मीडिया प्रबंधन था वो भाजपा का रहा था, इसी तरह लोकसभा चुनाव में जो है मजबूती के साथ अपना मीडिया प्रबंधन रखा जाए, जिससे जनता के बीच सीधा संदेश जो है वो भाजपा के प्रति जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोकसभा चुनाव वो लड़ा जाना है, तो ऐसे में किस तरह से केंद्र सरकार का प्रचार प्रसार किया जाना है, स्थानीय मुद्दों को किस तरह से शामिल किया जाना है, ऐसी तमाम बातों को लेकर मीडिया की कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश भर से आए तमाम प्रतिनिधियों को जीत का मंत्र जो है वो प्रदेश और राज्य के नेता दे रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि भाजपा प्रदेश मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, जहां पर आगे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, और इस कार्यशाला में सुधांशु त्रिवेदी, सीपी जोशी सहित कई नेता मौजूद हैं।